दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो में पाकिस्तान की है, जो कि एक पाकिस्तान के भाई बोलते हैं कि लड़की हमको जो है शादी करने के लिए शरारती चाहिए, और वो शायरी भी मारते हैं। और एक नाबीना भाई है जो कि मतलब पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो मतलब जो है बहुत अच्छे तरीके गाना मतलब गाते हैं, उनको दिखता आंखों से नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके ठुमका लगाते हैं, और वो लेडीज का रूप किए हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है और आपको बेहद मजा आएगा, बस आप एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह की लड़की चाहिए? शरारती हो, बेबदो बदी लड़ी जांदी हो। ओ सर, ये कौन सा ठुमका ताला मावी नु हाथ ला, मेरे सारे बूस्टर उड़े। प्यारी समझ गई। हाय हाय, बड़े पेदा ठुमका है ना, वेख ना ठुमके सुज के आ टेढ़े हो गए। किस तरह की लड़की चाहिए? शरारती हो, मजा आता रहे, एक दूसरे को छेड़ते रहे। हम इसके बाद आप नंबर लिखवा देना, अगर हम बता दें। ठीक है, कोई मसला नहीं। कभी ऐसी सही करने गए हो, किसी लड़की में दिल आ गया हो? नहीं, ऐसा काम नहीं हम करते। ऐसा काम नहीं करते, नहीं, हम शरीफ आदमी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। कितने शरीफ है? काफी शरीफ है। अपनी शराफत की गवाही दे कि एक भी लड़की नहीं है। एक भी लड़की नहीं है? नहीं है। इसके पास लड़की नहीं है, वो शरीफ है तो और क्या है? हाँ। आप तो मुझे वो वाले शरीफ लग रहे हैं, वो जो बुक के एंड पे सर्कल होता था उसके अंदर लिखा होता था इमानत दयानत ध्यानत शराफत था ना एक वर्ड, वो वाले शराफत था। तो ऐसे ही है ना, हम लड़कियों के चक्कर में ना डलते। आपका कलर प्यारा है आपका। थैंक यू। अच्छा, किस तरह की लड़की चाहिए? अभी मजा आएगा ना। लड़की प्यारी हो और अच्छी हो। अच्छी हो और किसी और के साथ उसका रिलेशन ना हो, यानी के साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। अभी उसका रिलेशनशिप रहा भी ना। हाँ, इसके अलावा बस यही तो तीन चीजें हो। एक बुराई क्या चाहिए आपको? बुराई तो कोई भी नहीं चाहिए, अच्छी होगी तो गुजारा होगा ना। चाहिए या शरारती लड़की चाहिए? शरारती हो। कैसे शरारत करे वो? मजा प्यारी समझ गई। मजा आता रहे ना, घूमने फिरने के लिए निकले ना, एक दूसरे को छेड़ते रहे, जाते आपको मारते वो गई। कोई मसला नहीं, जैसे बहनें शरारत करती हैं वैसे शरारत। वैसे शरारती है। कितने बहन भाई है? हम आठ बहन भाई। आठ बहन भाई हैं आप? अम्मा अब्बा ने हाथ धोला नहीं रखा? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने कितने बच्चे? दो या तीन। जबरदस्त। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई हिडन टैलेंट है? शायरी सुनाएंगे। शायरी सुनाएंगे। अभी मजा आएगा ना। जबरदस्त। आप दोबारा सुनाओ, कैमरे की तरफ देख के सुनाओ। ये कब्र ये जनाजा ये कब्र दिलाओ नहीं, उधर देखो। ये कफन ये कब्र ये जनाजा रस्म शरीयत है इकबाल, इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला ना कोई हो। बहुत अच्छा, ये इतना दुखी शेर किसके लिए सुनाया? ये किसी के लिए नहीं है, बस अपने दुख के लिए। अपने दुख के लिए? क्या दुख है जिंदगी? बस ख्वाहिश है बाहर जाने की। बाहर जाने की ख्वाहिश है? कहाँ पे जाने की? यूरोप। यूरोप जाना है? डंकी लगा के जाना है या ऐसे? नहीं, डंकी से बेहतर है कि पाकिस्तान। ठीक है, यूरोप की स्पेलिंग सुना दो। नहीं आते। यूरोप जाना है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है यूरोप जाना। यूरोप की स्पेलिंग? ख्वाब तो बड़े रखने चाहिए ना। बड़े रखने चाहिए, लेकिन आपको पता है जहाँ जाना होता है ना पूरी रिसर्च करके रखते हैं। सर्च कर रहे हैं ना अभी? हाँ। सर्च चल रही है यूट्यूब पे वगैरह पे देख रहे हैं। अच्छा। तो क्या सर्च करते हो जब लिखते हो? यही कि अपना यूरोप कैसे जाना है, वीजे कैसे लगते हैं, सारा इसके बारे में डिटेल ले रहे हैं। लिखते हो ना वर्ड? वो गूगल मैप से बोल के कर लेते हैं ना। बोलते हो? बोलो क्या लिखते हो गूगल? यूरोप जाने का तरीका, वीजा कैसे लगता है। तरीके चाहिए? हाँ जी, सब तरीके चाहिए। तो तरीका क्या आता है? यही कि इस ऑफिस में आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा भी यानी कि पाकिस्तान में काम करके पैसे बना लेना बेटा, बस तो ये माइंड में रखना, किसी गलत कंसल्टेंट के पास मत चले जाओ। यही है इंशाल्लाह राधा। तो हाँ जी, आज तक कुर्सी फोंक फोंक के जाना कंसल्टेंट के पास? नहीं, वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं 40 लाख दो, 45 लाख दो, तो इससे बेहतर है कि अभी पाकिस्तान में रहते हैं, अभी सीजन अच्छा लग जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा हरामी हो बेटा।
हाय हाय निकी हो गया तेरी चाल पे। कैसी हैं आप? नहीं मैं तो ठीक हाँ, तेन की मौत पई उसे हसी जान डी है को उधरों मेकअप बेटा ही घंटे उन्होंने कहा मैं कभी छड़ दे मैं जाना है छड़ दे मैं जाना है छड़दा ही नहीं सी मैंने फिर मजबूरन होके कहना पिया वे छड़ मेरी वीणी ना मरो वे कछ दिया वंगा ते ना तो बदो बदी करी दा नहीं प्या समझ रहे हो समझ रहे हो हाय छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ वे कछ दिया वंगा ते ना दौड़ तू वेला सी साडा हाय नी अल्लाह बख्शे मैडम नू अज भी टेपा तो गाना चलता तो खुश रेंज मस्त हों जिमें सप बीन नू वेख के नहीं मस्त हों बड़िया आशक मजाज अखा तेरिया वे बदो बदी लड़ी जांदिया बड़िया आशक मजाज अखा तेरिया वे बदो बदी लड़ी जांदिया ओ सन ये कौन सा ठुमका ताला माफी दे हाय हाय बड़े पे दा ठुमका है ना वेख ना ठुमके सोज के टेढ़े हो गए बड़ा हरामी हो तू पहले मैं तो समझ नहीं आ पर मेरा ठुमका तो तेन पता है इस कदर सुरीला ठुमका मैं तेन दसा थोड़ा सा ठुमका करके दिखाओ ना उधर ठुमका इधर मुंह करो ना ऐसे और ऐसे कोई गल नहीं हुन बेफिक्र हो के मेनू हाथ ला मेरे सारे बूस्टर उड्डे कतरा नहीं तू भैन ना मेरी मैं तो तेन ये कहना सी कि मैनू भी एंकर लवा दे एंकर बनने का क्यों शौक है आपको आप कह रहे थे एंकर बनना है आपने नहीं ओ नहीं कुड़ी जड़ी की ओदा नाम भाई खराब बड़े मैं प्रोग्राम वेखे मैं बड़ा मजा आंदा जदों एंकरिंग कर दी नहीं प्यार नाल मुखातब करी दे अस्सलाम वालेकुम मैं थोड़ी अपनी वकार शमीम हुण तुसी कहोगे कि तेरे दो दो ना क्यों ने नहीं एक ना दूर दा ते एक ना नेड़े दा सारा काम हनेरे दा ए सारा काम हनेरे दा मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है मैं यकीन कर मैं कल बदमाश बनी ते मैनू ना मैं एक मुजरम फड़िया मैं डाकू ते मैनू एक पुलिस वाला कहंदा तेनू ना असी थाने च भर्ती करवाने आ यकीन कर तेन मैं की दसा उत्थे मैं ओ कीता है सचो दा रोल दुआ कर बस मेरी नौकरी लग जावे कैसे किया था सचो कैसे बने मैं कभी दस वे वे कतल किवें कीता ई हां टुट मरना मैनू अगो कहंदा ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਤਲ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਤਲ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਫੜਿਆ ਔਂਤਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜਾਂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਦਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਔਂਤਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਬਣਨ ਗਈ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਂਤਰੇ देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ अच्छा मुझे बताओ जब आप लोग शादियों पे जाते हो कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे नहीं बहुत अच्छा शादियां ते ना शादियां साडियां हुण कित्थों शादियां फंक्शन नहीं मिलदे कैसट दौर होनी हाय मैनूं अज भी याद है मैं एक जट्टां दा फंक्शन कीता औंतरिआं ने मैनूं कमादां दे विच नचाया इक्को ही गाने ते मैं नची मैं साढ़े चार घंटे तू यकीन कर एना नची मेरी खब्बी लत्त सुन्न हो गई अन्ने दे नाल नाल मैनूं लोग लूली खुसरी कहण लग पए ਔਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲੈ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਐਡਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਲੁੱਟੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਡੰਗ ਵੱਜਿਆ ਲੜ ਗਏ ਨੈਣ ਕੁਵਾਰੇ ਕੂਕਾਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ
हाय लड़ गए नैन कुवारे कूका पैन गिया हाय। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जितनी दर्द भरी हाय है ना, इसकी कोई खास वजह है? ये इतनी दर्द भरी हाय क्यों निकलती है आपकी? आ हाय नितिन मैं की दसाए दी खास वजह क्या हुआ था आपके साथ? सड़िया नमानिया नु ते दिल टूट गया सी मेरा। अच्छा किसने तोड़ा था? नहीं लंबड़ा दा मुंडा मेनू प्यार दा चासा देख हाय की तेन मैं दसा। आप लोगों को भी प्यार होता है वैसे? सानू भी प्यार हुंदा वा। अज तुसी गए मिल साडा हार गया दिल, अज तुसी गए मिल साडा हार गया दिल, बाजी जीत लई प्यार ने ओए प्यार ने, अज तुसी गए मिल। मैं ओदियां गल्लां च आ गई। ना मुराद ने मेरे को 100 फंक्शन फ्री करवाया। इन्ना नचांदा सी एक दिन ते कुछ नहीं लभ्या ते चिंगची दी खड़खड़ ते मेनू नचाई जावे कड़ 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 कड़, मैं यामा दी खड़खड़ ते नची। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। अच्छा चलो बताओ कैसे ठुमका मारते हैं वो? नहीं ओनू छड़ नहीं, तू मेनू ऐ दस कैसी लग रही हैं आज? मैं बहुत प्यारी लग रही हैं। वो जिस तरह से आपने मेकअप किया हुआ है, इनको जब भी इशारे भी देखो ना हम जा रहे होते हैं तो इतनी हैवी बेस लगाई हुई होती है, इतना हाई क्लास मेकअप आप लोगों ने किया हुआ होता है कि ना बस दूर से चमक रहे होते हो आप। हाय नहीं उतरी है जैसी लिशका न मारी तो शांति को कुछ भी ना दा। यकीन कर परसों में एक मुंडे को रुपया 100 लिया लोड मुकिया सी, मैं ना पुल तो लगी छाल मारन ते मैनू कहंदा कुड़ी वेख के तो वैसे ही पागल हो जाते ने, मैनू कहंदा आहो ते सोहनी कुड़ी है, मैं की हो गया? मैनू कहंदा ए क्यों आप लगी है मरने, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? फिर क्या मैं फिर उन्होंने दसिया, मैं कह वे तू एवें फस गया वा, मैं शमीम छीमा वा। कहंदा केड़ा शमीम छीमा? मैं कह बस ऐ करके मैं कीता है। यकीन कर औंतरा पहले तो इशारे तो गंदे इशारे करन डिया सी, बाद च उन्हें मैनू ओ मारिया मेरे ठुमके सोच के डेढ़ हो गए। हर गाड़ी वाले के पास ये लोग जाते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आप लोग बाइक वाले के पास जाके रुके और उससे कोई बात की हो आप लोगों ने, क्यों? बस रहन दे छेड़ ना दर्दानू, इन्हां दा खाना खराब हो वे लोरिए ने। अच्छा सोना खुसरा वेख के पता नहीं की इन्हां नूं ना दिल दे विच कुतकतारियां जिहियां उठदियां ने। क्या कहते हैं आपको? कुड़ी पिछे लट्टू होण ना होण खुसरे नूं एवें कही जाण के 65 रुपए दा लोड करा दे। असी ना गड्डी वाले को जाइए ना तो सानू को भीक शीक दे देंगे, उन्होंने कही ना या अल्लाह तो शीशा खोल के को 5-10 दे देंगे। औंतरा मोटरसाइकिल वाले को जाइए ना उन्होंने कही कुछ दियो, वो कहेगा पीछे बाओ। बात तो सही है। खुसरे नु क्या, मैं एक नु क्या, मैं कहा तेन शर्म नहीं आती तू खुसरिया को केड़ा काम लैन दिया? कहिंदा नेकी कर दे रिया में डाल। दस केड़ी नेकी आ? यहाँ से याद आया मुझे, बताओ नहर पे हर टाइम क्यों रहते हो? क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है। नहीं नहरा तो खलोना साड़ी मजबूरी है, असं ताजिया रहनी हाँ। तरो ताजा फ्रेश खुसरा। बड़ा हरामी हो मजाक मजाक ने हम लोगों ने आपको एक मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि ऐसे जो लोग हैं उनको जॉब्स देनी चाहिए, उनको इस मुल्क के ही है ना, वो जो भी हैं हम लोगों की तरह इंसान है, अगर कोई मर्द है तो मैं औरत हूँ तो वो ख्वाजा सरा है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, जो भी है अल्लाह ने उनको बनाया है ऐसे और उनमें इनका कोई कसूर नहीं है और आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। चले जी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल पर नया तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना। तब तक के मिलते फिलहाल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।